आज रविवार है, जहां लोग छुट्टियों में अपनी मस्त होंगे, वहीं पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि राजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति लगी हुई है। आइए यहां संगठन के पदाधिकारियों से बात करते हैं कि आज जयंती के उपलक्ष्य में वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार जयंती मना रहे हैं। आज हमारे आराध्य महाराजा सुहेलदेव राजभर की 1010वीं जयंती है, उनके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरे राजभर समाज के लोग यहाँ आए हैं, अपने महाराजा सुहेलदेव राजभर की हम लोग जयंती मना रहे हैं। अच्छा। इनका इतना पराक्रम इतिहास रहा है। इन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने सैयद सलार मसूद गाजी को चित्तौड़ा के मैदान में मौत के घाट उतारा था। सैयद सलार मसूद गाजी विदेशी आक्रांता था, ये हिंदू के मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदों बनाता गया, महिलाओं को अपमानित किया और तमाम बहुत सारे हिंदुओं को कत्लेआम करते हुए मुसलमान बनाया। लेकिन हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने इसका वध किया और आज वो उपेक्षित हैं। इनके नाम पर न एक विश्वविद्यालय है, इनके नाम पर न एक संग्रहालय है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया, लेकिन हमारे महापुरुष के साथ इन्होंने अपमान किया है। इनके आगे टाइटल नहीं लिखी गई है। आज तक जितने महापुरुषों के डाक टिकट जारी हैं उनकी टाइटल लिखी गई है। हमारा राजभर समाज 27 तारीख को धरने के माध्यम से सरकार से मांग किया कि उनके आगे राजभर लिखा जाए और आज हम अपने महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मना रहे हैं। आज भी हम अपने इस समिति के, इस समाज के द्वारा सरकार से मांग करते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर के आगे राजभर या भर लिखा जाए और इनके नाम पर विश्वविद्यालय खोला जाए। अभी हाल ही में शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ रुपए बहराइच में इनके स्मारक के लिए किया है। इसके लिए राजभर समाज इनको बहुत बहुत बधाई देता है। तो जैसा कि आपने डाक टिकट की बात की, तो डाक टिकट में क्या, यानी कि क्या लिखा हुआ है? सिर्फ राजा सुहेलदेव लिखा हुआ? हाँ, सिर्फ सम्राट सुहेलदेव लिखा है बस। यानी कि उसके आगे राजभर नहीं लगाया गया। इसकी आप मांग धरना प्रदर्शन के भी जरिए कर चुके हैं और यहाँ पे भी आज जयंती के जरिए ये काम कर रहे हैं। तो आज आपकी जयंती में लखनऊ से ही लोग आए हुए हैं कि पूरे प्रदेश से? नहीं, कुछ प्रदेश के भी आए हैं, लेकिन हम लखनऊ के ही समाज के लोग हैं, लेकिन बलिया, देवरिया, गाजीपुर के भी लोग आए हुए हैं। अच्छा, ये कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं, महिलाएं भी हैं जयंती मना रही हैं राजा सुहेलदेव राजभर की। क्या परिचय है आपका? मैं वैजयंती राजभर, लखनऊ से। तो जैसा कि आप लोग जयंती मना रहे हैं राजभर सुहेलदेव जी की, तो क्या लगता है कि जो आप लोग पहले भी मांग कर चुके हैं, जो डाक टिकट जारी हुआ है, तो क्या अगर डाक टिकट में राजभर नहीं लिखा गया तो क्या वो मान्य इनके लिए नहीं होगा? नहीं, जो डाक टिकट मोदी जी ने जारी किया है उसमें सिर्फ सुहेलदेव ही लिखा है और पासी समाज भी दावा करता है कि सुहेलदेव हमारे हैं, जबकि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो फर्जी दावा करते हैं। और सरकार इसी में भ्रमित है कि सुहेलदेव राजभर लिखे कहें कि सुहेलदेव पासी कहें, इसीलिए वो जान करके डाक टिकट में राजभर शब्द नहीं जोड़े हैं और वो चाहते हैं कि एक तीर से दो निशाने साधें। ये कभी नहीं हो सकता है। राजभर अपने स्वाभिमान के लिए कभी भी झुकेगा नहीं। हम चाहते हैं कि वो इसका निस्तारण करें कि सुहेलदेव के आगे राजभर लिखें और इतिहास और गजट वो देख करके तब लिखें और पूरा हमारे पास साक्ष्य है। हम चाहते हैं कि सुहेलदेव के आगे जात उनकी लिखी जाए। तो आप कहाँ से आई हैं? राजा नगर, लखनऊ से। अच्छा, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे नारे लगा रहे हैं, तो इन लोगों से भी आइए और पूछते हैं। तो जैसा कि लखनऊ से आए हुए हैं, तो क्या मांग है आप लोगों की? जैसे क्या हम लोग का मांग है, यह कि क्या बोला था, ये लिखा जाए, लिखा जाए डाक टिकट पे जो जारी हुआ है उसको जारी करा दिया जाए। तो देखिए, आप लोग तिलक लगा करके जयंती बाकायदा मनाई जा रही है। कहाँ से आए भाई साहब? लखनऊ से आए हैं। तो लखनऊ से आए हैं, तो जैसा कि जो आप लोग डाक टिकट के ऊपर जो राजा सुहेलदेव लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो राजभर नहीं लिखा हुआ, उसका आक्रोश क्या व्यक्त करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लिखना चाहिए, राजभर है और राजभर लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। तो जैसा कि आइए महामंत्री जी से भी बात करते हैं, संगठन के महामंत्री हैं, परिचय देते हुए बताइए आज जयंती के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं? मैं ओम प्रकाश राजभर, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे डाक टिकट जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा,
वो बहुत ही गलत है, क्योंकि उसमें राजभर शब्द होना चाहिए, क्योंकि गजेटियर में हर जगह इनका परिचय भी राजभर करके ही लिखा हुआ है। और उसको डाक टिकट में क्या पूरा नाम बताइए हमें चैनल के माध्यम से। महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से होना चाहिए। परिचय क्या है आपका? संरक्षक हैं। अच्छा, तो जैसा कि आज जयंती है, तो जयंती के उपलक्ष में जो आक्रोश है आपके अंदर, एक तरफ जयंती मना रहे हैं, दूसरी तरफ आक्रोश भी है कि राजा सुहेलदेव का जो डाक टिकट जारी हुआ है उसके अंदर राजभर लगाया जाए। हाँ, तो क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहना सरकार चाहेंगे? से हमारी यही मांग है कि राजा सुहेलदेव राजभर लगाया जाए। लगाया जाए जी। तो अगर जैसे कि ये सरकार नहीं सुनती है तो आंदोलन भी छेड़ेंगे आप? हाँ बिल्कुल, हम लोग संघर्ष करेंगे, सड़क पे उतरेंगे। हाँ उतरेंगे। क्या परिचय आपका? मेरा नाम राम लखन राजभर है। हाँ। मैं गोंडा निवासी हूँ। मैं लखनऊ से उपाध्यक्ष हूँ और एज ए जेई भी हूँ। अच्छा। और राजा सुहेलदेव उत्तर प्रदेश ही नहीं, इंडिया में जैसे राणा प्रताप हैं, वैसे राणा प्रताप से प्रथम सुहेलदेव राजभर हैं। राजभर ने चित्तौड़ा झील पे गाजी मकसूद को मारा। गाजी मकसूद एक ऐसा नालायक था जिसने हमारे बहु बेटियों के ऊपर आंखें उठाई, यहाँ तक कि अयोध्या तक की तोड़ फोड़ करके हमारी मंदिरों को भी उसने विध्वंस किया। मैं और 70 साल कांग्रेस को हो गई, हम लोगों का इतिहास चुरा करके छिपा करके इन्होंने रखा। और आज मोदी जी ने एक टिकट जारी किया है जिसमें राजा सुहेलदेव केवल लिखा, राजा सुहेलदेव राजभर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कोई भी जात का सूचक होना चाहिए, तब राजा सुहेलदेव राजभर हैं तो उनको क्यों नहीं लिखा गया? मुझे आक्रोश है, अगर मौका लगेगा तो मैं विधानसभा में अग्निदाह करूं। तो जैसा कि आपने देखा, संगठन के पदाधिकारियों से भी हमने बात किया, सदस्यों से भी बात किया, जयंती के उपलक्ष में वो केवल एक ही मांग रख रहे हैं कि जो राजा सुहेलदेव डाक टिकट जारी हुआ है उसके अंदर पूरा नाम लिखा जाए राजा सुहेलदेव राजभर के नाम से। तो ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं अमित आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। महाराजा सुहेलदेव राजभर मर रहे हैं।